अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिबा स्टेजिंग। ये देखना, हमने बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लिया है और बैक नेक पर भी हमने रेप पट्टी लगा ली है और हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। ये देखना, ये रेप पट्टी हमने जो लगाई है बैक नेक पर, ये छोड़ते हुए हम ये शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और दोनों साइड से हम इसी तरह से छोड़ते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद फिर हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग में हमारी डबल सिलाई आती है, डबल सिलाई लगाएंगे हम फिटिंग में, सिंगल नहीं लगाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल पर जो फर्स्ट बार हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ना, तभी आपकी समझ में आएगा। और इस कुर्ती को स्टिचिंग करने के बाद हम बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे। देखना, बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखना, हमने नीचे से दामन इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हम बारीक फोल्ड करेंगे, हमें चाक भी इसी तरह से फोल्ड करने हैं और हमें कुर्ती का पूरा दामन हमें इसी तरह से फोल्ड कर देना है और हमें स्लीव्स भी इसी तरह से फोल्ड कर देनी है, क्योंकि हमने हैवी नेक बनाया है और हम यहाँ पे कोई हैवी नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये हमारा गर्मी का सूट है, बहुत ही प्यारा सा, और हम मोरी रखते हुए हम यहाँ पे ये सिलाई लगा लेंगे और हम अपनी कुर्ती बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम अपना ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखना, हमारा ये ट्राउज़र है और पहुंचा है और हमने ये 3 इंच की ये पट्टी हमने कटिंग कर ली है और हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे सिल लेंगे। और हमने सिल ली है और हम इस तरह से इसे सीधा करेंगे। और ऊपर से कट करेंगे और हम इसे अच्छे से सीधा करते हुए और हम इसके बाद इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। ये देखना, हमने प्रेस कर लिया और हमने 4-4 इंच के करीब हमने ये पट्टी कटिंग कर ली है और हम ट्राउज़र में इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और ट्राउज़र के पहुँचों में हम इस तरह से लगाते जाएंगे। हम 1/2 इंच के करीब गैप रखते हुए हम इस तरह से लगाते जाएंगे। और ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। और हमने अलग से ये पट्टी कटिंग कर ली है, 2 इंच के करीब पट्टी है और हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखना, बहुत ही प्यारा सा नया लुक ट्राउज़र बनकर रेडी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम नया लुक है। शायद आपने इससे पहले देखा है या नहीं। और देखना, इस पट्टी के ऊपर हम ये सिलाई लगाएंगे, बारीक कन्नी पर ये सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम ये पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, ये हमारी सिलाई अंदर की ओर दब जाएगी। हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे देखना, मुझे तो अभी से ही बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है आपको। ये देखना, हमने ट्राउज़र का पोंचा सिल लिया है, हम इसी तरह से पूरा पोंचा इस तरह से सिल लेंगे। और इसके बाद हमने ये मोती लिए हैं, सुई में धागा रो लिया है और हम यहाँ पे और हम 2 मोती लगाएंगे एक साथ और दोनों को एक साथ जॉइंट करेंगे और अच्छे से पक्का करते हुए एक दूसरे में और दोबारा हम मोती के अंदर इसी तरह से सुई घुमाएंगे
और इस तरह से पक्का कर लेंगे। हमें धागा यहाँ पे तोड़ना नहीं है, हम इसी तरह से अंदर की ओर, ये देखना अंदर से ही हम इसी तरह से दूसरी साइड में भी इसी तरह से मोती लगाएंगे। पहले हम यहाँ पे पक्का करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारा धागा, अगर हमने पक्का नहीं किया तो हमारा धागा खिंच जाएगा। और फिर से हम दो मोती लेंगे और दोनों को एक साथ ज्वाइंट करेंगे, हम पूरे को इसी तरह से ज्वाइंट कर देंगे एक दूसरे के साथ, और हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। देखना इस तरह से हमने पूरे को डिज़ाइन कर लिया है, और देखना कितना प्यारा ट्राउज़र डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो चुका है।